अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? अल्लाह से दुआ करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस अभी बज रहे हैं शाम के 7:15 और मैं बनाने जा रही हूँ सब्जी। सोचा आप लोगों से बात कर लेती हूँ। कितने दिन हो गए व्लॉग नहीं गया है, हो सकता है आज इसका सुफियान का बर्थडे का व्लॉग डाल दूँ, क्योंकि जैसे कि आपको पता है सुफियान की तबीयत खराब थी, इसकी ज्यादा ही तबीयत खराब थी। इसको जॉन्डिस हो गया था, यानी पीलिया हो गया था बच्चों को मेरे, तो व्लॉग नहीं जा पा रहे थे। इसलिए अब इस नई शुरुआत करते हैं। इंशाल्लाह आप देखो एक दो दिन में रोज व्लॉग आ जाया करेगा। और अभी सुफियान पी रहे हैं, चलिए आपको दिखा देती हूँ। तो गाइज ये देखें, ये ऑयल बन चुका है। अब हम जो है ना इसमें सबसे पहले डाल देंगे जीरा। जैसे मैं बनाती हूँ आपसे मैं शेयर कर रही हूँ, भिंडियाँ बहुत यमी बनती है, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा आप लोग इस तरह से बनानी। तो ये देखिए ज़ीरा डाल दिया, उसके बाद डालूंगी राई यानी सरसों के दाने डालने हैं इसमें, बड़े वाले जो होते हैं, बारीक वाले नहीं है, मोटे वाले जो होते हैं वो डालने हैं। और उसके बाद हम डाल देंगे, जब ये अच्छे से चटक जाएंगी दोनों चीज़ें, हरी मिर्च और प्याज। बहुत सिंपल सी रेसिपी है ये, मगर टेस्टी बहुत होती है। और इस टाइम हरी सब्ज़ी से खिला रहे हैं हम सुफियान को, इसलिए सब्ज़ियाँ ज़्यादा बन रही हैं घर में। अब थोड़ा थोड़ा सा इसे हम मिर्चों का देने लगेंगे, हल्का हल्का सा। तो इसमें मैं दही डाल देती हूँ, जिसमें हम मतलब कम मिर्च करना चाहते हैं उस चीज़ में हम दही डाल देते हैं, क्योंकि इसको ना दही फ़ायदा भी करेगा, दही बताए से छाछ और दही खाने के लिए। तो ये हरी मिर्च और प्याज डाल दिए। और ये देखो जब हो जाएंगी, मतलब इसे हमें बिल्कुल गोल्डन नहीं करना होता, थोड़ा सा पिंक करना होता, तो हम उसमें ऐड कर देंगे टमाटर। और टमाटर के साथ ही डाल देंगे हम इसमें नमक और हल्दी। हल्दी से बहुत ही प्यारा सा कलर आता है, हल्दी ज़रूर ऐड करनी चाहिए इसमें। तो ये देखें नमक और हल्दी डाल दूंगी मैं इसमें। और साथ में मैं पेड़े भी बना रही हूँ, क्योंकि एक साइड में ये सब्ज़ी बनती रहेगी तो दूसरी साइड में मैं रोटियाँ बना लूँगी, इससे जल्दी काम हो जाता है। तो ये देखें इसमें मैंने हल्दी डाल दी है।
हाय। तो गाइस चलो वीडियो का एंड कर लेते हैं। अब भिंडी, आपको पता है जैसे भिंडी बनाई थी मैंने, खाने से फारिग हो चुके हैं हम सब। मैंने सोचा आपसे बात करके वीडियो का एंड कर लेती हूँ। और एक ब्लॉग मेरा जा चुका है, जैसे कि मैंने बताया था सुफियान के बर्थडे का ब्लॉग था वो, सॉरी ब्लॉग था वो, जो जा चुका है आप लोग देख लीजिएगा जिसने नहीं देखा है तो। और कोशिश करूंगी अब एक दो दिन में डाल दिया करूँ ब्लॉग, क्योंकि तबीयत खराब थी इसलिए नहीं डाल रही थी। और समझ सकते हो क्या, 6 साल का बच्चा जब बीमार होता है, परहेज का खाना खाए, तो एक माँ के दिल पे क्या बीतती है। और हम सब खाना खा रहे हैं और उस बच्चे को नहीं दे पा रहे हैं, पर हम ऐसा कुछ नहीं खाते हैं उसके सामने जो उसका दिल करे। जैसे कि नाश्ते में हम अंडा ब्रेड खाते हैं, मेरे ये दोनों बेटे और उसका भी फेवरेट है, तो ये दोनों भी नहीं खा रहा है, इतना कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है भाई की वजह से। कह रहे हैं जब तक ये नहीं खाएगा तब तक हम भी नहीं खाएंगे, क्योंकि ये इतना छोटा बच्चा है, इसका दिल ज़रूर करेगा देखो। इसलिए वो बड़े बच्चे बेचारे समझदार हैं, वो खुद नहीं खा रहा ऐसी चीज़ जिसका ये मन करता है वो खाए। अभी बच्चा मेरा पूछता है, मुझे बहुत ज़्यादा ख्याल आता है मम्मी मैं कब खाऊंगा सारी चीज़ें, कब खाऊंगा। अब हम इससे बोल देते हैं बेटी जब टेस्ट हो जाएगा इसका, देखो इंशाल्लाह कल ब्लड टेस्ट होगा, फिर उसमें पता लगेगा कि इसका जो मतलब जॉन्डिस से ख़त्म हो चुका है या जो रह गया है। तो इसका कल दोपहर में देखो ब्लड जाएगा, तो फिर उसके बाद पता लगेगी क्या क्या प्रॉब्लम है। और आप समझ सकते हो कि जब बच्चा खाना मांगता है, एक माँ कितना मजबूर होती है और उसे खाना नहीं दे पाती, जहाँ बच्चों को खिला बुला बुला कर खिलाते हैं और वो खाना मांग रहा है और हम नहीं दे पा रहे, बहुत तकलीफ होती है कि बच्चा खाना मांगता है मम्मी ये खाऊंगा और हम नहीं दे पाते, मेरा इतना परेशान करा। एक दिन इसने बहुत ज़्यादा घर पे गेस्ट आए हुए थे तो कोरमा बना था और ये कोरमा ही मांग रहा था, इसके लिए मैंने खिचड़ी बनाई थी और ये नहीं खा रहा था, इतना रोया है ये, मेरा दिल भी रोने लगा कि मतलब इसमें ना देखो कितना ऑयल होता है कोरमे में, और इसे बिल्कुल मना किया, अवॉइड करा है इसको, तला भुना बिल्कुल मना था, फिर भी मेरे बच्चे ने बहुत ज़्यादा परहेज कराया, मतलब बाहर की कोई चीज़ नहीं खाई है कुछ भी, और दवाई भी इतनी उससे पी है, क्योंकि इसे मैंने समझाया था कि बेटे जितनी जल्दी आप दवाई पियोगे उतनी ही जल्दी ठीक हो रहा होगा। तो मैं मतलब मेरे ध्यान से थोड़ा उतर जाती थी, मगर ये बच्चे कहते मम्मी दवाई पिला दो, तो मेरे बच्चे ने माशाल्लाह बहुत लग के दवाई पी है, अल्लाह ने उसे इतनी शिफा दी है कि आंखें इसकी पूरी तरह से बिल्कुल सफ़ेद हो चुकी हैं, जैसे येलोपन हो गया था इसकी आंख में, अब वो भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसका जो ब्लड टेस्ट है हो जाएगा, तो और ज़्यादा दिल की जो मतलब थोड़ी बहुत शुभ है वो भी निकल जाएगा क्या, बिल्कुल अच्छी तरह से ही ठीक हो चुका है। तो गाइज अगर आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और बस अल्लाह ताला मेरा बच्चा जल्द से सारी चीज़ें खाने लगे तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। और दुआ में मुझे याद रखिएगा, प्लीज़ सपोर्ट मी, सपोर्ट करिएगा, और जहाँ तक हो सके मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, आप लोगों की हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि न्यू हूँ तो सपोर्ट ज़रूर करिएगा। चलिए अगली वीडियो में आप लोगों से मुलाकात करूँगी, अच्छे से ब्लॉग लेकर आऊँगी, और आगे आगे दिन में अच्छे अच्छे ब्लॉग आप लोगों को मिलते रहेंगे। तो चलिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, खास करके बच्चों का, क्योंकि बीमारियाँ बहुत ज़्यादा चल रही हैं। तो चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।